में हमने देखा अंसारी जी के घर में रुकैया की शादी होने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद टुकड़े टुकड़े किए, न केवल वॉश बेसिन के, न केवल शीशों के, दिल के भी। वो रुकैया के यहाँ लोहे की जिस सरी ने मारा था वो सरी भी वहीं उपलब्ध है। और उनके चाचा जिनका मेडिकल स्टोर घर के बाजू में बंद पड़ा था, साजिद भाई, क्यों एहतिशाम भाई, बराबर नाम ले रही हूँ ना, वो जेल में थे, आज कहाँ है मुझे जानकारी लेनी ही थी। लेकिन उस पूरे एरिया में हमने देखा खाला पार के कि एक इमाम साहब मस्जिद से जुम्मे के दिन नमाज पढ़कर बाहर आते हैं, और हम जब उनको मिलने जाते हैं और उनका हाथ तारिक भाई जैसा फ्रैक्चर में देखते हैं तो जरा धीरे आवाज में पूछते हैं कि आपने शिकायत दर्ज की कि नहीं। तो कहते हैं मैं शिकायत नहीं दर्ज करूँगी। एक इमाम साहब अगर शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, जिनके पैरों पर इतने कुर्सी जैसे लाल लाल धब्बे हैं, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे ये कहकर छोड़ा गया है कि मैं अगर शिकायत दर्ज करूंगा तो मेरी पूरी संपत्ति का ये मस्जिद भी नहीं रहेगी। सादात हॉस्टल के प्रमुख, हमने चाहा उनको मिले क्योंकि हमको मालूम पड़ा कि उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने मिलना नम्रता के साथ मना कर दिया और फोन से किसी के द्वारा हमको खबर पहुंचाई। अब वो डरते नहीं है इसलिए हम भी यहाँ खड़े हुए, कोई LIB और CID से डरते नहीं है ना, वो भी डरते। लेकिन उन्होंने उस समय तो कहा कि मेरे नाबालिग बच्चे अंदर है, नाबालिग बच्चे, उनको बाहर लाने तक मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ शिकायत नहीं करूं, न आपके पास न पुलिस के पास। हमने देखा 7 दिन हो चुके थे और शिकायत दर्ज नहीं थी। मुझे याद आया कि गुजरात में कर्नल सावे की हत्या हुई थी, तो 3rd दिन पहुंचने के बाद मैंने तो पहला हाथ जोड़ के एक कतार में खड़ा किया सभी महिलाओं को और एक एक करके शिकायत दर्ज की, जिसके FIR दर्ज करवाए, सालों के बाद पर सजा हुई। अमीन साहब DCP का नाम था। आप कहो कि हिंसा का आधार लेकर जिस प्रकार के पेश आए हैं उसका और बर्बर स्वरूप हमने मेरठ में देखा। वो नूर मोहम्मद की पत्नी शन्नो एक 10x10 के कमरे में बैठी थी। इतना आधा अंधेरा कमरा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश में इतना बड़ा नाम बन गया है करोड़ों रुपया का, लेकिन वहां कोई उपलब्ध नहीं था। ऐसे गलियारों में वो बैठी थी और उसको जब हमने पूछा कि कोई नुमाइंदे पहुंचे थे, सरकार ने कुछ राहत दे दी, तो बोले वो क्या दे देंगे। पूरी हकीकत सुनी हमने कि शव कैसे निकलवा पाए वो, उनके मामा, उनके चाचा, जिनका अंत्य संस्कार भी घर तक लाकर नहीं किया गया, वहीं के वहीं निपटा गया, और शवागार से ढूंढ ले लो आप, ऐसा कहकर रात भर बीतने के बाद उनको शव मिला और वो वहीं के वहीं। ये बहन को उधर पहुंचना पड़ा मेरठ में ना। लेकिन शन्नो ने क्या कहा, हमारे सभी सवालों का जवाब क्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अब सोचिए, हम आलिम भाई के घर गए। वो कौन था? वो बहुत बड़ा आदमी था इसलिए उसकी हत्या की गई। वो ये फालतू आंदोलनों में नहीं आया था, वो 1 घंटे में 400 रोटियां बनाने वाला रेस्टोरेंट का एक सिपाही था, हमें रोटी खिलाने वाला, और वो इकलौता कमाने वाला था। उसके माता और उसके पिता, जिनकी वीडियो आप देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आएंगे। उस खाट पर जिसने आधा कमरा ऑक्यूपाई किया था, उस पर खड़े होकर उसके पिताजी ने केवल हम ही को सवाल पूछा, हम क्या फैक्ट फाइंडिंग करें। हमको फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए नए प्रकार के उन्होंने प्रेरित किया और पूछा कि क्या हमारे कौम ने इस मुल्क में कोई योगदान दिया है कि नहीं। हम स्तब्ध हो गए, बोले हमारे पड़ोसी हिंदू है, हमारे सब एक साथ के रिश्ते हैं, तो ये इंसान और इंसान का रिश्ता, ये इंसान और इंसानियत का रिश्ता जो संविधान के भी पार होता है, संविधानिक अधिकार के पार मानवीय अधिकार होते हैं, इसको ये ताड़ तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम लोग हिंसा का जवाब अहिंसा से ही देंगे, तभी ये हिंसा मिटेगी। आज कोई बच्चा आने वाला अहिंसक होगा कि नहीं, इसके बारे में शक है सब माता पिताओं के मन में,
क्योंकि वो सब जगह हिंसा देख रहे हैं।